अस्सलाम वालेकुम तीमी, वालेकुम सलाम अम्मी। क्या हाल है मेरे बेटा? कैसे है? ठीक हूँ, आप कैसी हैं अम्मी जान? अल्लाह का शुक्र है। आज क्या कुछ प्लान करेंगे या कुछ वैसे गपशप लगाएंगे? प्लान अच्छा, तो उससे पहले क्या करेंगे? प्लान से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें और नीचे घंटी का उसको भी बजा दे। अब हम चलते हैं प्लान। अच्छा, प्लान की तरफ चलते हैं। तो आज आप अपने भाई जाने के मुतल्लिक कुछ बताएं। आपके बड़े भाई जान जो है, नाम क्या उनका? सात भाई जान। अच्छा, तो भाई जान आपके बहुत अच्छे हैं? बहुत अच्छे हैं। अच्छा, कैसे अच्छे हैं? वो मुझे अपने उनके पास जो भी चीज आती है वो मुझे शेयर करवाते हैं। और वो जो उनको छोटे कपड़े होते हैं वो उमर भाई को नहीं, मुझे देते हैं। अच्छा, ये देखो उनको पैंट छोटी वाली उन्होंने मुझे दे दी। अच्छा, ये आपको दे दी उन्होंने? थोड़ी सी खुली है। अच्छा, और भाई जानी मुझे अपना बैट बॉल भी खिलाते। भाई जानी को बैट बॉल का बहुत शौक है। भाई जानी को पतंग उड़ाने का भी बहुत शौक है। पतंग उड़ाने का भी नहीं है। और भाई जानी को क्या शौक है आपके? भाई जानी को काई का बहुत शौक है। पसंद आती है, वो ढेर सारे गुड्डे लाते हैं। बसंत आती है जब? अच्छा, बसंत का क्या होता है? वो क्या होता है? मौसम चेंज होता है, मजा आता है। ओए होए, कभी कभी पसंद में कभी कभी मौसम भी चेंज होने लगता है, बारिश आ जाती है और उसकी वजह से गुड्डे नीचे गिर जाते हैं। बहुत से बच्चे आते हैं गुड्डे पकड़ने के लिए। आप तो नहीं पकड़ते हैं ना? मैं तो नहीं पकड़ती। मैं तो भी छोटा हूँ। उनमें है मेरे लाला जी, सात भाई जानी। लाला जी, सात भाई जानी। आप उसको लाला जी क्यों कहते हैं? किसने बताया था? नानी ने। नानी आंटी ने बताया था कि वो लाला जी हैं। लाला जी आपको छोटे मियाँ कहते हैं? वाह, बड़ा मजा आता होगा आपको तो। आपकी भाईजानी से ज्यादा बनती है या उम्र से? लाला जी से। अच्छा अच्छा, लाला जी। लाला जी का नाम क्या है? सात लाला जी। मजा ही आ गया। कभी कभी मैं सात भाई को लाला ही कहता हूँ, वो कहता है लाला चुप। कभी मैं उसको फेर बुलाता हूँ, कहता है छोटा भैया चुप। सही, मैं उसके पीछे दौड़ लगाते थे, इतना दूर भागते मैं तो थक जाता हूँ। तो स्कूल में आपके लाला जी आपका ख्याल रखते हैं? स्कूल में वो तो फोर्थ क्लास में, मैं अलग अलग कैंपस में, वो अलग कैंपस में है। वो कौन से कैंपस में? वो होशिया चौक में। होशिया? और आप? मैं छोटे कैंपस में। छोटे कैंपस में हो। आपके कितने फ्रेंड हैं स्कूल में? फ्रेंड 32। आपके स्कूल में तो इस दफा क्या इरादा है? एग्जाम्स कैसे होने हैं आपके? अच्छे होने हैं। फर्स्ट पोजीशन लेनी है। फर्स्ट पोजीशन लेनी है? वाह, लेकिन आती नहीं है। आती नहीं है? आप कोशिश करेंगे तो आ भी जाएगी ना? मैं कोशिश करता हूँ, आती नहीं है। ज्यादा अच्छा पढ़ा करें ना तो फिर फर्स्ट पोजीशन आ जाती है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं आती। हाँ, स्कूल में नर्सरी क्लास का बच्चा है, पीजी में फर्स्ट आया था। अच्छा, नर्सरी क्लास का पीजी में फर्स्ट आया था। और आप? मैं थर्ड आया था।
थोड़ा तो चलें, आप कोशिश करके अब आप फर्स्ट आ जाना। अच्छा, फर्स्ट आने में कौन सी मुश्किल है? थोड़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे फर्स्ट आ जाएंगे। यहाँ हमारे स्कूल की ज़्यादा होती है ना, प्यासा को वो इतनी नहीं ज़्यादा सुनाता हूँ। एक प्यासा को वो पानी की तलाश में, और आखिर उसने बात एक करा देखा घड़े में पानी बहुत कम था, उसे एक तेकी चुई, उसने अपनी जोन से एक एक कंकर उठा कर घड़े में डाले, पानी ऊपर आ गया, कबे ने जी भर कर पानी पिया और उड़ गया। नतीजा खुदा उसकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। गुड गुड एक्सीलेंट, ये तो आपको पूरी आती है बहुत अच्छी तरह, लेकिन लिखने में थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। हैं? लिखने में छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। कोशिश किया करो ना छोटी छोटी मिस्टेक को कवर किया करो, सही कर लिया करो, छोटी मिस्टेक की कोई बात नहीं होती। रीड भी करता हूँ तब भी मुझे गलती मजा ही नहीं आती है। मैं रिपीट करता हूँ, घोर से देखते ही नहीं, मैं बस कॉपी ऐसे करता हूँ। एक पैसा तो पापा ने की तरह घोर से देखते ही नहीं। अच्छा, रिपीट करते हो फिर भी नहीं है समझ आती। आप ऐसा किया करना, पेपर को दो दफा रिपीट किया करें, जैसे कि अल्फाज मायने हदायत सीधा रास्ता और क्या था, इज्जत एहतराम और हदायत का क्या बताया? सीधा रास्ता, सीधा रास्ता, तले नीचे क्या, तले नीचे खत्मत नबीन आखे नबी, खात्मन नबीजीन बोले, खात्मन नबीन, ठीक है। और क्या क्या होता है? और मेरे स्कूल में अकेडमी के 23 स्टोर है। आप मुझे एक दफा फिर बताए ना कि चैनल को क्या करना है? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं और शेयर करें। अब हम चलते भाई जानी है, भाई जानी है, उमर भाई जो है, उमर भाई के बारे में तो कल बोले थे, ठीक है। हम तीन भाई हैं, तीसरे भाई की कल बात करेंगे। सबसे कम मेरी स्पीड है। अच्छा, सबसे कम आपकी स्पीड है, बाकी दोनों भाई तेज हैं। वाह, मैं 6 साल का हूँ, उससे बड़े भाई 7 साल के, उससे बड़े भाई 11 साल के। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, चलें ठीक है जी, आज की तमीम की बातें यहाँ तक ख़त्म हुई। तमीम को अब थोड़ी नींद आ रही है, तमीम सोना चाहता है क्योंकि सुबह जल्दी उठ के स्कूल जाते हैं, उसके बाद फिर ट्यूशन जाते हैं, फिर कारी साहब आ जाते हैं और फिर शाम पड़ जाती है, सर्दियाँ हैं, दिन भी बहुत छोटा है। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे तमीम के साथ एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए तमीम करते हैं सबको अल्लाह हाफ़िज़, हमें अपने दुआओं में याद रखें और तमीम के लिए भी दुआ करें। अल्लाह हाफिज़।